हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका फिर से गेस्टा स्वैग में स्वागत है। तो फ्रेंड, आपको आज ले चलते हैं न्यू ब्लॉग की तरफ। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है, तो फ्रेंड आज हम जा रहे हैं हाटकोटी मंदिर। फ्रेंड हमने न्यू गाड़ी ली थी, तो आज हम जा रहे हैं हाटकोटी मंदिर। तो फ्रेंड हमारी गाड़ी में जगह नहीं थी, तो हमने कज़न की गाड़ी की है दूसरी गाड़ी, ताकि हम पूरी फैमिली आ जाए। और हम यहाँ से निकल गए, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये हूँ मैं, तो इस टाइम गाड़ी में बैठा और मेरे साथ है मेरा भाई। हेलो गाइस, आज हम हाटकोटी आए गाइस। आज विक्रांत गेस्ट और हमारी पूरी फैमिली गाड़ी आई है। ये विक्रांत गेस्ट अभी की नई गाड़ी भी आ रही गाइस। जय माता दी, लेट्स गो, बाय बाय। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली पहुंच चुकी है। तो हमारे सुभाष मामू हमारे साथ है जो गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ से हम निकल गए हैं मंदिर की तरफ, और गाड़ी के साथ मेरी वाइफ और मेरा गेस्टा भी आ रही है, और मेरा भाई भी, और पिंक मामू और अमीर गेस्टा जी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोग वापस जा रहे हैं और हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। मेरी मम्मी आगे जा रहे हैं और नेबू उनकी गोद में है, और ये सुभाष मामू भी चले हैं पीछे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सामने माता का दरबार है, और यहाँ पे लोग भी बैठे, और ये हैं सुभाष मामू और पिंकू मामू, और हमारे नवनीत गेस्टा जी भी बैठे हैं, और मेरा भाई भी। और सामने देख सकते हैं आप, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, और यहाँ की जो खूबसूरती है काफ़ी अच्छी। और ये हमारे आयुष गेस्टा जो कि हमें मंदिर में मिले, और मेरी वाइफ मंदिर में अंदर जा रहे हैं घंटी बजा के, तो साथ में आयुष भी है। तो यह है आयुष गेस्टा, और मेरे वाइफ आगे की ओर जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और यहाँ नया गेस्टा भी खड़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पापा जी और चाची जी धूप जला रहे हैं। तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा लगता है जब हम माता के दरबार में आके धूप बत्ती करते हैं, तो काफ़ी अच्छा, मन को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार चाची जी और मेरे पापा जी धूप बत्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ का आसपास का नज़ारा। जो माता का दरबार है काफ़ी अच्छा है। माता के प्रांगण में पहुंच गए हैं हम सब। ये है मेरे चाची राजकला चाची। तो अब मेरी वाइफ और नया गेस्टा भी धूप जला रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और निखिल गेस्टा भी पहुंच गया है, काफ़ी अच्छी स्माइल है उनके चेहरे पे। और नेहबू गेस्टा भी हमारे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। लिटिल गेस्टा काफ़ी खुश है, नेहबू गेस्टा आज घूमने के लिए काफ़ी खुश रहते हैं। और अभी ने धूप बत्ती करने के लिए कहा है, तो अब धूप बत्ती करेंगे नेहबू गेस्टा। तो ये मेरा भाई और मेरे पापा जी, और ये है आरुषि, और मेरा भाई यहाँ पे धूप बत्ती कर रहा है माता के दरबार में। माता के दर्शन करने आए हैं हमारी पूरी फैमिली पावन अवसर पे। जैसे हमने न्यू गाड़ी ली है, तो हम सब माता के दर्शन करने आए हैं पूरी फैमिली। और मैं अभी यहाँ पे धूप बत्ती कर रहा हूँ, और आयुष गेस्टा भी मेरे साथ अपनी हर मनोकामना पूरी हो जाती है जब इस मंदिर में आते हैं। तो काफ़ी अच्छा दरबार है माता का, हाटकोटी माता मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सामने जो आपको द्वार दिख रहा है, ये है माता का प्रवेश द्वार, जहाँ पे माता की मूर्ति रखी गई है। और ये हूँ मैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं नया गेस्टा भी लाइन में खड़ी है। तो यहाँ पे सभी श्रद्धालु जितने भी आए हैं सब लाइन में खड़े हैं। तो जब तक हमारी बारी आती है, तब तक आप इसी तरह बने रहे हो हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। तो हम लाइन में खड़े हैं चाची जी, और हम आपको हेलो कर रहे हैं। तो मेरी वाइफ भी आपको हेलो कर रही है, और नया गेस्टा भी।
और नए बुगेस्टा को चाची जी ने अपनी गोद में उठाया है, तो पापा जी भी लाइन में खड़े हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब अपनी पूरी फैमिली के साथ मंदिर आने का मौका मिलता है। और ये यहाँ के पंडित जी, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पूजा हो रही है और साथ में प्रसाद दिया जा रहा है सबको। सब अपनी इच्छा लेके यहाँ पे आया है और माता के नाम की चुन्नी साथ में लेकर आया है। और यहाँ का आसपास का व्यू काफ़ी अच्छा है, माता का दरबार काफ़ी अच्छा सजा है। तो फ्रेंड ये है कलश जो काफ़ी बड़ा है, ये सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे, देख सकते हैं आप फ्रेंड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है और यहाँ पे नया गेस्टा की बारी आ गई है, तो उन्होंने भोग पकड़ लिया है और पापा जी की भी बारी आ गई है, सब भोग पकड़ रहे हैं यहाँ पे। और मेरी वाइफ भी लाइन में खड़ी है और चाची जी ने पापा जी को तिलक लगाया और मैं भी लाइन में खड़ा हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो ये आयुष गेस्टा जी भोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे दान पात्र में दान कर दिया है और मुझे भी भोग दे दिया है। तो फ्रेंड अब हम भी दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड अब हम भी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और फ्रेंड मेरे साथ है न्यू गेस्टा, देख सकते हैं आप काफ़ी फनी है, जो माता के दर्शन कर रहे हैं हाथ जोड़ के। काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चों में भी ऐसी इच्छा प्रकट होती है। यहाँ पे सबको तिलक लगाया जा रहा है और मेरी वाइफ भी दर्शन कर रहे हैं माता के दरबार में। यहाँ पे पंडित जी जो कि भोग दे रहे हैं और यहाँ पे आपको मूर्ति दिख रही है अंदर माता की, हाटकोटी माता काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, आप भी आए इस मंदिर के दर्शन करें और अपनी मनोकामना को पूरा करें। तो फ्रेंड जो ये शंगल लगी है कलश में, ये माता के चरणों में बंधी है अंदर, देख सकते हैं आप इसे बांधा गया है, काफ़ी पवित्र घड़ा है ये, जो काफ़ी प्रसिद्ध है माता के मंदिर में। तो फ्रेंड अब हम जाएंगे शिव जी के दर्शन करने, यहाँ पे शिवलिंग रखी गई है अंदर, जहाँ पे पानी का चढ़ावा किया जाता है। सब यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर पानी का लोटा गिराते हैं, पानी की लंबी धार शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे गिराते हैं। और देख सकते हैं आप आयुष गेस्टा और मेरे पापा जी नेबू गेस्टा अंदर चले गए हैं, तो नेबू गेस्टा हमारे यहाँ पे काफ़ी डर रहे हैं अंदर आने से, और पापा जी यहाँ पे दर्शन करे और यहाँ पे चाची जी भी लाइन में खड़े हैं और मेरी वाइफ और नया गेस्टा। तो मेरे पापा नेबू को अंदर बुला रहे और नेबू डर रहा है अंधेरे की वजह से, उसे डर लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने शिवलिंग है, इस शिवलिंग के ऊपर आप लोटे के साथ पानी धीरे धीरे गिरा सकते हैं। और अभी यहाँ पे पानी नहीं था तो हमें ऐसे ही आना पड़ा। तो आयुष गेस्टा जी के दर्शन पूरे हो गए, तो अब हमारी बारी आई है, मेरी वाइफ और मैं अंदर की ओर चले गए हैं, अब हम भी शिव जी के दर्शन करेंगे और शिवलिंग के सामने माथा टेकेंगे अपना। तो फ्रेंड यहाँ पे दान पात्र है, कोई भी अपनी इच्छा से यहाँ पे दान दे सकता है। और आज मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे आई है दर्शन करने के लिए, खुशी के पावन अवसर पर। कोई भी खुशी हो अपनी फैमिली के साथ जाहिर करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है।
मेरी वाइफ ने दर्शन कर लिए हैं, अब मेरी बारी आ रही है, तो अब मैं भी शिवलिंग के सामने माथा टेक के दर्शन करूँगा और अपनी मनोकामना पूरी करूँगा। तो फ्रेंड, अब दर्शन के बाद अब हम जाएंगे बाहर की तरफ, तब हमारे दर्शन हो गए हैं। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे जाते जाते हम दान पात्र में दान करेंगे और यहाँ से द्वार से वापस आएंगे उल्टे होके। तो फ्रेंड, अब हम बाहर की ओर आ गए हैं, दर्शन हो गए शिव जी के। तो फ्रेंड, अब हम दर्शन करेंगे नंदी महाराज के, उनके कानों में अपनी विश पूरी करेंगे। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड, मैं अपनी विश पूरी कर रहा हूँ। तो नेहा गेस्टा जी भी नंदी महाराज के कानों पे अपनी विश पूरी कर रहे हैं और मेरे वाइफ भी नंदी महाराज के कानों में कुछ कह रहे हैं और अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पांच पांडव जो कि यहाँ पे काफ़ी पहले रहते थे, विश्राम गृह था उनका, काफ़ी समय तक यहाँ पे रहे थे पांच पांडव। तो यहाँ पे पांच पिंड बने हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ मंदिर जाते हैं तो नज़ारा ही काफ़ी अलग होता है। और यहाँ का व्यू भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और मैं इस टाइम यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। सामने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खींचे जा रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं भी पहुँच गया हूँ इन सब फूलों को क्रॉस करके। तो फ्रेंड, आपको दिखाता हूँ, ये है सेजल केवटा जी और चाची जी के साथ आए हैं ये भी, और ये मेरे पापा जी और मम्मी जी यहाँ पे बैठे हैं और चाची जी भी यहाँ पे बैठे हैं। ये अंकल चिप्स खा रहे हैं और नेबू गेस्टा भी इनके साथ है। और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आके यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खींचते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी है, देख सकते हैं आप, नवनीत गेस्टा, आयुष गेस्टा, पिंकू मामा। और यहाँ पे हम चले हैं अब डैम की तरफ, जहाँ पे हाटकोटी में डैम बना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। तो काफ़ी बड़ा डैम है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, हमने आगे की ओर आ गया हूँ। तो फ्रेंड, मुझे यहाँ पे इजाज़त नहीं मिली वीडियो की, तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप। यहाँ काफ़ी लंबा डैम बना है और साइड में आप देख सकते हैं पानी भी दिख रहा है नीचे की ओर। ये मेरे पापा जी और उनकी गोद में है नेबू गेस्टा। और मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, डैम काफ़ी बड़ा बना है यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए चोरी से वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डैम है यहाँ पे, देख सकते हैं इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है और इसमें पानी के बीच मछलियाँ भी बहुत है मछलियों का। और तो फ्रेंड, इस टाइम हम पहुँच गए हैं खड़ा पत्थर, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।